वेलकम स्टॉक मार्केट विद यार स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हियर व्हाट वी कैन सी इज दैट निफ्टी इज अ वेरी क्रूशियल जोन राइट नाउ बिकॉज 17400 के आसपास पास फ्रॉम सेवनटीन फोर हंड्रेड टू सेवनटीन सिक्स हंड्रेड प्रिटी मच इज द जोन दट वी हैव सीन टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग देख सकते हैं एक तरफ से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसा बना पड़ा है जहाँ पे प्रीवियसली उसने एक बेस बनाया था आफ्टर रीटेस्टिंग दैट 17 के लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं इफ़ वी लुक एट दिस बेरिश ट्रेंड लाइन दैट हैज यू नो इन प्लेस प्रैक्टिकली सिंस अक्टूबर नवंबर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से उससे रीटेस्ट करने पे आ गया है विच मीनस अगर यहाँ से बाउंस करता है देन दिस बुलिश ब्रेकआउट ऑफ द ट्रेंड लाइन दैट वी सॉ माइट जस्ट बी कन्फर्मड इवन मोर सो आई वुड से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे आ चुका है निफ्टी एट दिस स्टेज एंड येस हम लोग देख सकते हैं आर एस आई इज ऑल्सो अराउंडी फिफ्टी से बाउंस कर रहे हैं विच मीन्स जो बुलिश बायस है दैट इज़ जस्ट अबाउट there. नाउ इफ वी टॉक अबाउट आर एस आई एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है कि फॉर बैंक निफ्टी आर एस आई स्टिल अबाव सिक्सटी सिक्सटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव पे है आर एस आई एंड फॉर बैंक निफ्टी वॉट वी कैन सी इसकी फोर्टी थाउजेंड फोर्टी वन थाउजेंड के जस्ट आस पास उसने क्लोज दिया है फोर्टी जीरो नाइन जीरो फोर फोर जीरो नाइन जीरो फोर के आसपास क्लोज दिया है उसने और हम देख सकते हैं कि ओवरऑल यू नो इफ़ वी कंसिडर दिस जनरल लेवल मे बी अराउंड फोर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड का फिर से वो रिटर्स दे सकता है टू बी ऑनेस बिकॉज येस ओवरऑल बैंक आर स्ट्रॉगर बट अगर ये वाला जो हमने लो देखा है उसका जो आज का और कल का लो बन जाता है इफ़ दैट लेवल इज ब्रोकन देन आई वुड से अराउंड 40,200 बिकम्स द नेक्स्ट जोन सो ऑन द डेली चार्ट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग अगर हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंसिस की देन क्लियरली दिस वन विच इज अराउंड 41,000 बिकम्स एन इंपॉर्टेंट वन सो दिस इज द डेली चार्ट एनालिसिस अगर हम लोग बात करते हैं एंट्रा की देन आई विल जस्ट गो टू द फाइव मिनट चार्ट और हम लोग यहाँ पे निफ्टी पे देख सकते हैं दैट इन जनरल दिस इज सॉरी फॉ दैट इन जनरल दिस इज द जोन जहाँ से वो uh, थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा था आज येस्टरडे uh, और फ्राइडे दिस वॉज एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो उसने तोड़ दिया था बट आज हम लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंटली वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था इनफैक्ट दिस इज एक्चुअली द टाइम जहाँ पे मेरे को लगा कि अच्छा मे बी इट माइट बी ऑन इट्स वे टू यू नो रियली रिटेस्ट दैट प्रीवियस क्लोज लेवल बट वैसा नहीं हुआ इट डेड मैनेज टू टेक सपोर्ट फ्रॉम रफली दैट सिक्स हंड्रेड लेवल्स हम लोग देख सकते हैं दैट इफ वी मार्क दिस जोन राइट ह्योर देन वी गेट दैट अराउंड सिक्स हंड्रेड लेवल यू कैन सी ह्योर फाइव नाइनटी से लेके अराउंड सिक्स हंड्रेड के, के आसपास तक का ही रेंज आता है और प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखते हैं देन इट वॉज सैंडविच्ड फ्रॉम सिक्स फिफ्टी सिक्स सिक्सटी टू अराउंड सिक्स हंड्रेड मे बी फाइव एटी टू सिक्स हंड्रेड सो यही रेंज के बीच में प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द डे उसने बिताया है एंड मे बी दैट बिकम्स वन ऑफ द क्लू इन टू टुमोरो कि अगर हम लोग ये जोन के ऊपर कल ट्रेड देखते हैं एंड वी डू सी अर सपोर्ट फ्रॉम ह्योर देन मे बी बायस बुलिश साइड पर रहेगा बिकॉज क्लियरली इट विल शो कि जो आज का इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसे बुल्स तोड़ पाए थे विद डैट बीइंगड अगर ये वाला लोअर लेवल टूटता है दैन नेचुर उसने सिर्फ लोअर लेवल का जो सपोर्ट है वो तो नहीं तोड़ा बट उसके साथ साथ उसने सेवनटीन सिक्स हंड्रेड का लेवल भी तोड़ा होगा विच वुड मीन की जो बैर्स है फाइनली यहाँ से वो एंटर uh, करके ब्रेक डाउन कर पाए थे सो आई वुड से दैट इट्स एन इम्पोर्टेंट डे ओवरऑल टमोरो एंड इवन मोर सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि कल थोड़े से माइक्रो इवेंट्स भी है सो आई टेल यू अबाउट द इकनॉमिक इवेंट्स इन बिट बट दिस इज वॉट निफ्टी इज लुकिंग लाइक टू मी अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसिस की दैन आई विस्ट मार्क दम ऑन द चार्ट फॉर यू सो एक रेजिस्टेंस ये बन जाता है एक सपोर्ट ये बन जाता है एज बी डिस्कस्ड अगर हम लोग बात करते हैं उसके बाद की दे वन ले दिस एंड देन फाइनली जो हम लोग ने लो uh, you know, देखा था वो उसके बाद अगर रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं देन वन हैपन्स टू बी अराउंड हियर समवेयर समवेर अराउंड 730 हंड्रेड एंड थर्टी और उसके बाद एक बन जाता है 810 के आसपास नेचुरली इतने रेंज के अंदर ही मूव करने वाला है लाइकलीहुड सिनारीो अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर जाने का तो मे बी सेवनटीन के आसपास इसके नीचे जाने का देन मे बी सेवनटीन के आसपास सो दैट वुड बी माई ओवरऑल रेंज फॉर निफ्टी आई होप यू वर एबल टू कैच इट इफ नॉट मेक श्योर यू री री वॉच दैट सेगमेंट अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट की देन वन थिंग स्टैंड आउट इसकी हम लोग निफ्टी को जितना स्ट्रांगली होल्ड करते देख रहे थे एटलीस्ट दोस्त हाईर लेवल्स उतना बैंक निफ़्टी नहीं कर पाए। इन जनरल वी आर सीइंग इवन ऑन इनीओडी बेसिस बैंक्स आर लिटिल वीकर, बट दिस रियली बिकम्स स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर अगर हम बात करते हैं ये इंट्राडे ओवरऑल चार्ट की। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दिस बिकम्स सम इंपोर्टेंट लेवल्स

आउटकम uh, ओवरऑल you know, अगर हम बात करते हैं आज क्या वेल बैंक हॉलिडे फॉर द यूके और कल ट्यूसडे को अगर बात करते हैं द यूएस सो सी मोस्ट ऑफ दिस विल इंपैक्ट मोर ऑफ द फ़ॉरेक्स मार्केट बट अगर आपको बात करनी है जैसे एफ स्टेटमेंट है इंटरेस्ट रेट डिसीजन है दो माइट है फैड दैन मे बी एक्विटीज एटलीस्ट यू के डाउन होंगे और अगर यू के डाउन होंगे दैन नैचुरली सेंटिमेंट्स है वो हमारे लिए भी डाउन

मेरे लाइक के बाद भी सिर्फ दो लाइक्स है ऐसा थोड़ी होता है बट यू कैन सी इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आई टॉक अबाउट एवरीथिंग दट्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स हाउ द इम्पैक्ट फॉर एक्स एंड हाउ द इम्पैक्ट कमोनिटीज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकते हो दट इज यू आज वीडियो दिस वीडियो इज प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट यू नो फन एंड एक्साइटिंग विडियोज वी हैव ऑन द चैनल सो ये भी आप देख सकते हो एंड दैट सिर्फ फॉर दिस वन सी नेक्स्ट हैपी ट्रेडिंग हैपी एनालिसिस